Hey guys, कैसे हो आप लोग? गाइज, आप सबके लिए आज बहुत ढेर सारी ओपनिंग्स लेके आया हूँ। मीन्स इंडिया के हर कोने से लगभग ओपनिंग्स ले आने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि जो भी लोग दिल्ली से देख रहे हैं, जो भी लोग गुड़गांव से देख रहे हैं, जो भी लोग बैंगलोर से देख रहे हैं, जो भी लोग हैदराबाद से देख रहे हैं, पुणे से देख रहे हैं, सबको ओपनिंग्स मिल जाए, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है। कोलकाता से देख रहे हैं, उनके लिए ओपनिंग्स, मीन्स ओपनिंग का पूरा भंडार लेके आया हूँ, उन सभी के लिए जो लोग बीम के अंदर परफेक्ट है। और आज एक छोटा सा इनिशिएटिव भी आपके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। पहला इनिशिएटिव यह है गाइस कि जो भी लोग बीम के अंदर परफेक्ट नहीं है, तो समय आ गया है, आप हमें सिर्फ 4 महीने दीजिए। गारंटी हमारी है कि हम आपको इस 4 महीने के अंदर कंप्लीट व्यायाम सिखा देंगे, जिसकी न्यू बैच 5th आप जैन से चल रही है। इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे सर से जानकारी लो, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। जो भी लोग 5th जैन से लाइक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको पूरा सिलेबस से लेकर एवरीथिंग एक्सप्लेन करेगी, और आप फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपको करना है कि नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं है आपको। दूसरी चीज, कई ढेर सारे बच्चे मेरे हैं जिनको मैं जॉब की ओपनिंग्स बताता हूँ, उनकी कहीं ना कहीं जॉब भी लग जाती है। अब वो कैसे मुझे बताएं कि जॉब लग गई है सर? या फिर कई लोग लिंक्डइन पर रहते हैं, कई प्लेटफॉर्म पर रहते हैं जहां पर ओपनिंग्स दिखती है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा प्रयास है कि हर एक सिविल इंजीनियर की मदद हो, तो आप एक मेरा BIM जॉब्स करके एक ग्रुप है, जिस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ग्रुप में चार्ज नहीं है। उस ग्रुप को ज्वाइन करके जहां पर भी आपको लगता है यार यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, किसी का भला हो सकता है, मुझे जरूरत नहीं है, आप उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगी कि हाँ भैया यहाँ पर ओपनिंग से, कहीं पर भी आप ओपनिंग देख रहे हैं, लिंक्डइन पर देख रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, भेज दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उससे क्या होगा, कई ढेर सारे ऐसे बच्चे जिनको जॉब की जरूरत है, उनकी जॉब की जरूरत पूरी हो जाएगी। रही बात की सर आप बीम में क्या सिखाओगे, तो एक वर्ड में बोलूं तो जो भी कंपनी को लगेगा वो सारी चीज मैं आपको परफेक्ट करूंगा। बाकी पूरी जानकारी के लिए नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है कि न्यू बैच जो 5th जैन से स्टार्ट हो रही है, मॉर्निंग में 7 to 8:30, उसमें क्या क्या कैसे कैसे सीखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी, एक एक चीज डिटेल में समझाएगी, आपको हैप्पी लगता हो, मतलब आपको अच्छा लगता हो, तो आप कर लीजिए, गारंटी हमारी है कि आपको परफेक्ट कर दूंगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे किसी का जॉब लगता है, तो नीचे कमेंट करके जरूर, एक कमेंट ही तो करना है, कमेंट कर बताना कि सर मेरे यहाँ जॉब ऑलरेडी कर रहा हूँ, किसी प्रोफाइल में कर रहा हूँ बता देना कि सर मैं इस प्रोफाइल में कर रहा हूँ। ओपनिंग्स वाले ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं भी ओपनिंग्स डालता हूँ, आप भी ओपनिंग्स डालिए कि सर यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, किसी को अप्लाई करना हो तो कर ले, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपके, मिनट 2 मिनट से किसी का कैरियर बन सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं, और क्या बोलते हैं, आज का जो पहला ओपनिंग्स लेके आया हूँ, मैं पुणे से लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ, इसलिए पुणे से सबसे पहले सर्च करता हूँ। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ, कई लोगों को पता है, बट मैं पुणे में रहता हूँ, तो मैंने सोचा पहले पुणे, क्योंकि यहाँ के कई कंपनीज मुझे पता है, कंपनियां मुझे भी जानती हैं, तो थोड़ी सी आजादी हो जाती है सर्च करने में। तो भाई अजीम आर्किटेक्ट के पास काफी बच्चे मेरे काम भी करते हैं, पता ही है आप लोगों को, ठीक है? इनके यहाँ फिर से ओपनिंग्स निकली हुई है, बी मॉड्यूलर के लिए निकली है। मेरा प्रयास रहता है ओपनिंग्स फ्रेशर्स की ज्यादा लेके आओ, तो ये फ्रेशर की ओपनिंग है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, छोटी बट अच्छी कंपनी है। एक कंपनी है जो थोड़ी सी एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, लीड इंजीनियर की, ठीक है? लीड इंजीनियर की ओपनिंग है, जो कि बीम स्ट्रक्चर्स के लिए है, तो आप समझ जाइए रवि स्ट्रक्चर वगैरह पे काम होगा, इनमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है। जिनके पास भी एक्सपीरियंस है वो लोग जाके अप्लाई कर दीजिए भैया, इसमें पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा प्रोफाइल। नेक्स्ट जो कंपनी है वो फ्रेशर्स के लिए है, बी मॉड्यूलर नाम से, जी सोर्स में ओपनिंग अभी भी चल रही है, एक दो बच्चे हमारे सेलेक्ट भी हो गए हैं, ठीक है? आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इनके देख लीजिए काम बहुत सिंपल सिंपल है, और इनकी सैलरी भी सिंपल ही है, तो आप अपने से डिसीजन लीजिए अगर आपको इस सैलरी में जाना है। फ्रेशर्स के लिए अच्छी कंपनी का ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, वो है रूफ एंड सीलिंग प्राइवेट लिमिटेड करके, अभी डिजाइनर की है, 1-8 साल का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, फ्रेशर है बट इंटर्नशिप वगैरह किया हुआ है, तो और अच्छा है, आप आराम से इनके यहाँ पर ज्वाइन कर, मतलब अप्लाई कर दीजिए। सिंपल है, LODs का कॉन्सेप्ट इनके यहाँ पूछा जाएगा आपसे, 2D 3D का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे, रैबिट का नॉलेज अगर अच्छा तो अच्छा है, स्केचअप और रेनो अगर है तो क्या बोलते हैं, सभी मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर है, अगर है तो प्लस पॉइंट रहेगा, बट रैबिट इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। क्लैश डिटेक्शन मतलब इनको नेविस्वर की जरूरत होगी, ठीक है जी? चलिए बीम डिजाइनर के बाद जो नेक्स्ट ओपनिंग है गाइस, वो है ओपनिंग्स बीम स्ट्रक्चरल इंजीनियर की। किसकी? बीम स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, जिसके लिए भैया यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, फ्रेशर है तो भी काम हो जाएगा, एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, जिनको कैटिया या रेबिट सॉफ्टवेयर आना चाहिए। कैटिया वैसे मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर है, बट सिविल में भी कई जगहों पर लोग यूज कर लेते हैं, बट कम।
नेक्स्ट जो कंपनी है मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, कभी मैं भी चाहता था इसमें काम करने का, बट अब मेरा उतना रुचि नहीं रहा है ऐसी कंपनियों में, फिर किसी भी कंपनी में खास काम करने के लिए। रैमबॉल ठीक है, बीम स्ट्रक्चर्स की कंपनी है और ये पैकेज बहुत अच्छा देता है हर किसी का जो एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, सबको रहता है भाई फ्रेशर पैकेज चाहिए, तो पैकेज आप देख लीजिए बहुत अच्छा पैकेज है, आप इनके आप अप्लाई कर सकते हैं। रैमबॉल बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करती है, और ये ओपनिंग्स कहाँ की है ये भी देखो, गुड़गांव की ओपनिंग्स है। तो देखिए भाई मैं बहुत ईमानदारी से आपके लिए पुणे की ओपनिंग्स लेके आया, तो उसके बाद यहाँ पर पुणे की तीन सॉरी तीन ओपनिंग्स हो गई, थोड़ा सा प्रायोरिटी हो गई पुणे मुंबई की ओपनिंग्स, फिर आप मुंबई की ओपनिंग्स, फिर गुड़गांव की ओपनिंग्स, अब फिर से एक गुड़गांव की ओपनिंग्स, इंफ्रा सॉरी इनटेक इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी फ्रेशर लेवल की प्रोफाइल के लिए कंपनी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका एचआर का मेल आईडी दिया हुआ है, कट से डायरेक्ट अपना बढ़िया सा पोर्टफोलियो, ऐसा पोर्टफोलियो कि देखते ही आदमी लगता लग यार ये फ्रेशर लड़का है इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है वो चीज अगर आप कर देंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट का जो कंपनी है वो कंपनी है बिल्टेन करके, बिल्टेन ये कंपनी को बी मार्केटिंग चाहिए, फ्रेशर लेवल की कंपनी है ठीक है, पैकेज भी ठीक ठीक दे रहा है एज अ फ्रेशर देखा जाए तो, ओपनिंग्स का डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कॉल घुमाओ पूछ लो ठीक है, इनको अपना रिज्यूम अगर भेज दो, अपना पोर्टफोलियो भेज दो, पोर्टफोलियो के बिना बीम में जॉब लेना, अच्छा जॉब लेना का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है गाइस वो ओपनिंग्स है आर्च बीम मॉडुलर, मी मॉडुलर का वर्ड जब आ जाए तो समझ जाइए कि फ्रेशर लेवल की कंपनी है, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है अपने मेल आईडी, अप्लाई कर दीजिए विथ योर रिज्यूम पोर्टफोलियो एंड कवर लेटर। अगर आपको रिज्यूम पोर्टफोलियो और कवर लेटर का सैंपल चाहिए जो हमारे गुरुकुल के बच्चों के पास होता है तो नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सैंपल्स दिखा भी दूंगा आपको, और साथ ही साथ आप बस कमेंट कर दीजिए सर बी सर एक पोर्टफोलियो कवर लेटर और रिज्यूम का सैंपल दे दीजिए, मैं आपको दिखा भी दूंगा प्लस आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ठीक है जी, जस्ट कमेंट करिए कि भाई आपको चाहिए ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो बी मॉडुलर की है ठीक है, सीमा एसोसिएट हैदराबाद के लिए है, हैदराबाद के काफी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं सोचता हूँ उनके लिए भी ओपनिंग्स लेके आओ, तो ये हैदराबाद की कंपनी है, ज्यादा कुछ इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सिंपल रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहे तो अप्लाई कर दीजिए, टेम्पलेट बनाना आना चाहिए, फैमिली टैगिंग आनी चाहिए, शेड्यूलिंग्स आना चाहिए, ये सब मैंने बीम का जो वीडियो कोर्स है यूनिक सिविल ऐप पर सब बता रखा है, कुछ अलग नहीं है गाइस ठीक है। मुझे कभी कभी लगता है कि यार ये तो जो है चीजें हैं सब कुछ बहुत आसान चीजें हैं, आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब महीने 2 महीने 3 महीने का मेहनत कर लो ये सब आ जाएगा आपको ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें इन्होंने दिया हुआ है। इनको रेवी स्ट्रक्चर चाहिए या रेवी टेबी पे, दोनों से किसी भी चीज का नॉलेज चाहिए, ऑटोकैड चाहिए जो आपको आता ही होगा ठीक है, तो ऑटोकैड में भी जो एक्चुअली माना चाहिए वो ध्यान देना चाहिए, आपको रेविट आना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए, माइक्रो स्टेशन काफी इस समय डिमांड में चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही कुछ माइक्रो स्टेशन के लिए करूँ ठीक है। माइक्रो स्टेशन बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है बट बहुत ज्यादा लोग कंपनियां पूछने लगी आजकल, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी या तो अपने सिलेबस में ऐड करने का प्रयास करूंगा या फिर आपको यूट्यूब पे मैं कुछ ना कुछ इसका इंट्रोडक्शन इतना दे दूंगा कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए ठीक है, क्योंकि काफी दिन से मैं देख रहा हूँ। आर्चडीज बैंगलोर की कंपनी है ठीक है, अच्छी कंपनी है, एमएनसी है, दवा के आप इससे पैकेज ले सकते हैं, और एक कंपनी है बी मॉडुलर के लिए, ये भी बैंगलोर की है, ये फ्रेशर लेवल की कंपनी है, तो इसमें आप अपना दिमाग लगा लीजिए कि फ्रेशर मतलब क्या पैकेज हो सकता है, लगभग 25,000 का एजुम्पशन आप लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट गाइस जो कंपनी है वो नागपुर के लिए, नागपुर के बहुत बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ठीक है, मैं भी नागपुर में कई बार जाता रहता हूँ तो मैंने सोचा नागपुर की भी ओपनिंग्स लेके आता हूँ, देख लीजिए पैकेज, फ्रेशर लेवल की पैकेज, डिप्लोमा होल्डर चाहिए इनको, बी मॉडुलर की प्रोफाइल पर, एस्ट्रल इन्फॉर्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड, लो भैया अप्लाई कर दो, कोई इसमें जॉब कर रहा है या फिर कोई भी इनमें से किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत प्राउड फील होगा। बीम आर्किटेक्ट की एक प्रोफाइल है गाइस, तो बीम आर्किटेक्ट जो प्रोफाइल है उसके लिए 3D इनको चाहिए, 4D चाहिए, 5D चाहिए, बस सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक ठाक पैकेज भी दिख रहा है, क्या टेंशन है, वो भी नागपुर के लिए है, तो नागपुर की दो ओपनिंग्स पर्याप्त है। अब चलिए नासिक चलते हैं, नासिक की एक्सलाइज ग्रुप ऑफ कंपनीज कई लोग काम भी वहां पर कर रहे हैं ठीक है, इनको सोलिबरी या नेविस वर्ग आना चाहिए, अभी दोनों आए तो और अच्छी बात है, इनका मतलब इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इनका 4D या 5D का ज्यादातर काम है ठीक है, तो आप इनके आप अप्लाई कर दीजिए, अगर आपने नेविस वर्ग या फिर सोलिबरी में कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा है उसका कुछ पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ ऐसी कंपनी में। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है वर्चुअल कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन, नासिक की दूसरी कंपनी ठीक है, इनका ज्यादातर काम वर्क फ्रॉम होम मुझे अंदाजा है कि हो सकता है, नंबर दिया हुआ है टेंशन नहीं है, जस्ट डायरेक्ट जाइए अप्लाई कर दीजिए, इनके यहाँ अप्लाई कैसे करना है केवल यहीं से अप्लाई करके फुर्सत नहीं होना है गाइस, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना चाहिए, इनके एचआर का मेल आईडी निकालना चाहिए, वहां अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो बीम इंजीनियर्स के लिए है, ये
बारूना उत्तर प्रदेश, ठीक है मैं उत्तर प्रदेश ही हूँ बट मुझे नहीं पता ये लोकेशन कहाँ पर है, किसी को पता है तो अप्लाई बता दीजिएगा, ठीक है लखनऊ के आसपास की ओपनिंग्स है, ठीक है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन चाहिए, मॉडलर चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी है सबोजी पालन जी, तो आप बस अप्लाई करिए, टेंशन मत लीजिए कि क्या हाँ किसी को होगा भैया, बहुत काम इनके पास। नेक्स्ट जो कंपनी है वो क्रिएटिव ग्रुप, अभी नीचे पीछे भी इनकी ओपनिंग्स आई थी मैंने आपको बताया था, ठीक है न्यू दिल्ली की कंपनी है, बीएम डिजाइनर मतलब फ्रेशर लेवल पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। रेविट चाहिए, ऑटो कैड चाहिए, बस क्या टेंशन है अप्लाई करिए फटाफट सिलेक्शन लीजिए और साथ ही साथ पैसे कमाइए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है बीम मॉड्यूलर क्लियर दिल्ली की कंपनी है। देखिए मैं कैसे कोशिश करता हूँ कि हर किसी की जरूरत पूरी हो जाए, अगर किसी लोकल प्लेस का मैं ओपनिंग्स नहीं बता पाया हूँ तो नीचे कमेंट कर देना कि सर आपने यहाँ का नहीं बताया, जैसे मैं औरंगाबाद का नहीं बताया हूँ और कहाँ का नहीं बताया हूँ, आप चाहते हो तो कमेंट करना तो मुझे आइडिया निकलता है अच्छा यहाँ के भी ओपनिंग्स की जरूरत होती है लोगों को। कैन नॉट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी दिल्ली कंपनी है, ठीक है इनको चाहिए भी मॉड्यूलर। मॉड्यूलर की ओपनिंग ज्यादा क्यों लेके आता हूँ गैस, क्योंकि मॉड्यूलर में फ्रेशर लेवल पर एंट्री हो जाती है और इनकी जो जरूरत है वो सब हमारे गुरुकुल में भी सिखाया जाता है, प्लस साथ ही साथ क्या बोलते हैं हमारे वीडियो कोर्स में भी पर्याप्त है, यूनिक सिविल पे भी के यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत बता चुका हूँ। लो भैया डायरेक्ट मिल आईडी है, क्या टेंशन है अप्लाई करिए, रिज्यूम दीजिए, पोर्टफोलियो दीजिए और कवर लेटर दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। कई लोग सोच रहे हैं सर बैंगलोर ओ कोलकाता का आपने नहीं बताया, लो भाई कोलकाता के लिए, तो ये वेस्ट बंगाल की कंपनी है, जूनियर बी मॉडल इंजीनियर की मतलब फ्रेशर लेवल की ओपनिंग से। ऑटो कैड चाहिए इनको, रेबिट चाहिए, रेबिट इनटू ऑल डिसिप्लिन मतलब आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमपी तीनों आना चाहिए, ये इनकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करिए सिलेक्शन लीजिए। मेरी ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करना ना भूले। एक और ओपनिंग्स आपको जाते जाते बता देता हूँ, कैट्रेंस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कि बी मॉडल, ये भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो हम लोग अभी तीन सीरीज चला रहे हैं, तीन सीरीज में एक सीरीज में आपको मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं जॉब ओपनिंग्स की, एक सीरीज चला रहा हूँ पॉडकास्ट की। तीनों सीरीज को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इसलिए थैंक यू सो मच, जो भी लोग यहाँ तक देखे हैं सब बहुत सीरियस लोग हैं जो बहुत मुझे प्यार करते हैं, तो आप लोग चैनल को गए सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी चीज है जो हमारा लाइक बीम्स रिलेटेड नॉलेज का एक सीरीज है, वो भी बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीम से और स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज शेयर करूंगा, जो जैसे 4D क्या है, 5D क्या है, LOD क्या है, LOD कैसे एक्सप्लेन करना है, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, इसकी भी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। तीन सीरीज को चलने दीजिए, चौथी सीरीज बहुत जल्दी आपके साथ साझा करूंगा और आप ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और कोशिश करिए, जब यहाँ तक आपने देखा आप इतने सीरियस हैं डेफिनेटली आप बहुत प्यार करते हैं, तो कोशिश करिए इसको शेयर बटन पे क्लिक करके 2-4-10 मित्रों को शेयर या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि लोग एक दूसरे को शेयर करें, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ भैया लोग पसंद करें, चलो लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और जो लोग भी बीम पूरा सीखना चाहते हैं चांस मत मिस करिए, आप फटाफट इस नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक कर लीजिए या फिर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, मैं आऊंगा आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा सैटरडे को, उसके बाद आपका मन करे तो आप एडमिशन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए जय हिंद जय भारत।